आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपने इतने टाइम में क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या आपका एक्सपीरियंस हुआ बनाने के सब वो थोड़ा दो वर्ड में मैं आपसे चाहूँगा सबसे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चलो मैं करौली में मेरा क्लास ज्वाइन किया था मैंने, तो मेरा अप्रैल में क्लास मेरा फाइनल हो गया। मैंने अप्रैल में ही अपना नाला सुपारा में दुकान किया, जिसमें मेरे को दुकान किया उसके पहले मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अपनी क्लास से निकलते हैं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि काम करने में कि कैसा क्या रहता है। मैंने दुकान किया, मेरे को 6-7 महीना हो गया है, मेरे को काफ़ी सारी जानकारी मिली, मतलब कि बहुत सारे ऐसे पार्ट रहते हैं जो अपने को पता नहीं रहता है कि इसमें सर्किट में बोर्ड में क्या काम कैसा करने का है, तो मेरे को उसमें मतलब नॉलेज मिला, मतलब बहुत सारे अपना खुद से करते करते बहुत सारे 2-3 फोन तो मेरे हाथ से डेड भी हुए हैं। मतलब मैंने दुकान किया तो उसमें काम करने के समय पे तकलीफ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और समझदारी से काम किया, जिसमें मेरे को बहुत सारे नॉलेज मिले। और अभी आज के डेट में मतलब कोई भी फ़ोन अगर आए तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकूँ, कोई भी काम हो मैं प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने दुकान जब ही से चालू किया था मैंने कोई इनकम कमाने के लिए नहीं किया था, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया था कि क्योंकि मैं अगर प्रैक्टिस करके रखेगा तो मेरे को आगे चल के काम आएगा, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर आप अपना क्लास करते हैं इसमें जो है बाहर अगर डायरेक्टली अगर काम करने जाए तो नहीं कर पाएंगे, जब तक 2-4 महीना 6 महीना साल भर अपनी प्रैक्टिस ना करें मोबाइल पर रिपेयरिंग करके। तो मैंने किया और मैंने बहुत सारी जानकारी हासिल किया, मेरे को आज की डेट में अभी कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकूँ। पहला डर लगता था कि ये काम करेंगे तो ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए, लेकिन आज मेरे को कुछ तकलीफ नहीं होता है काम करने में, कोई भी प्रॉब्लम आता है मैं बिग वेज से काम करता हूँ।